हे गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज आप देख सकते हो मैंने एथनिक वेयर इंडियन पहना हुआ है और अभी मैं डांडिया और प्री दिवाली डिनर के लिए जा रही हूं, जहां लाइव म्यूजिक होने वाला है, लोग डांस करेंगे और डिनर वगैरह होगा और इंडियन फूड होगा वहां पे। तो वो सब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि यहाँ अमेरिका में रात्रि डांडिया दिवाली पार्टीज वगैरह कैसे होती है। इंडियन रेस्टोरेंट है एक, जहाँ सारे इंडियंस आएंगे और फैमिली को लेके सेलिब्रेट करेंगे और कोई सिंगर भी आने वाला है जो कि लाइव परफॉर्मेंस होगी वहाँ पे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और चलिए चलते हैं। अभी शाम के 7 बज गए हैं, 7 से शुरू होने वाला था बट मैं थोड़ी लेट हूँ, मैं 7:30 तक पहुँचूंगी। तो चलिए वहाँ चलते हैं और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। आप जो फ्लैशिंग लेफ्ट येलो एरो देख रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आपको सामने वाली गाड़ी देखनी है। अगर सामने वाली रोड से कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो आप लेफ्ट टर्न ले सकते हो, पर अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो आपको वेट करना है, जब तक गाड़ियाँ पास ना हो जाए तब तक आप लेफ्ट नहीं ले सकते हो। और ये देखिए कमर्शियल एयरपोर्ट है जो कि बिल्कुल रात को जगमगा रहा है। सो गाइस, मैं अभी यहाँ पहुँच गई हूँ और चलिए अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं क्या है। जहाँ पे आई हूँ मैं, इसका नाम है ताज पैलेस। गाइस, जैसा आप देख सकते हो इसके अंदर लाइव म्यूजिक होने वाला है, तो चलिए उसके अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा है। पीछे जो स्टेज है वहां पे लाइव म्यूजिक होने वाला है। रात 7:40 बज गए हैं और लोग अभी आ ही रहे हैं और अभी स्नैक्स वगैरह शुरू नहीं किया है, कम लोग हैं। सो ये पूरा आप जो हॉल देख रहे हो यहीं पे ये प्रोग्राम है। सामने स्टेज है, वहाँ लाइव म्यूजिक होएगा और डांडिया भी हम लोग यहीं पे करने वाले हैं, आप देख सकते हैं। एक्चुअल मजे तो ऐसे फंक्शंस में बच्चों का होता है। देखिए भाग दौड़ मचाए हुए हैं और नए दोस्त बना लेते हैं, खूब मस्ती चल रही है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज लाइव म्यूजिक और डांडिया के लिए। बने रहिए आप सब मेरे साथ इस वीडियो में और आप लोगों को देखने को मिलेगा अमेरिका में डांडिया नाइट वगैरह कैसे होता है, सब जब देसी लोग मिल जाते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और पीछे बार है, आप देख सकते हो वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह मिल रहे हैं और स्नैक्स के लिए अलग काउंटर लगा हुआ है, तो स्नैक्स वहाँ से मिलेंगे और डिनर है साथ में। मैं तो बस वेट कर रही हूँ जल्दी से डिनर ओपन करें ये लोग। 8 बज गए बट अभी तक डिनर ओपन नहीं किया है, बस अभी ड्रिंक्स ओपन है, यानी कि जो पीते हैं आराम से जाएं वहाँ से बाहर से ड्रिंक्स ले सकते हैं, पर मेरी नज़र डिनर पे है। अब लग रहा है लाइव म्यूजिक शुरू होने वाला है, लाइटें जला दी है इन्होंने, लोग भी काफ़ी आ गए हैं अभी। Start with some Bollywood songs and after that we'll start Garba and Dandiya or as request. Thank you so much everyone for joining. मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं बार काउंटर से, तो जब तक डिनर नहीं शुरू हो जाता तो यही खा के काम चला लेती हूँ। ये देखिए और ये सामने देखिए कितनी लंबी लाइन है डिनर के लिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लेट डिनर शुरू किया। ये एक चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और जो समझ में नहीं आया कि इतने सारे लोग जो बैठे थे जो ड्रिंक नहीं कर रहे थे उनके लिए तो कुछ स्नैक्स या डिनर ओपन कर देना चाहिए था जैसे ही इवेंट शुरू हुआ था, पर डिनर अब जाके 9:30 के अराउंड शुरू हुआ है। और ये देखिए डिनर में क्या क्या है, ये बेसिकली गुजराती डिनर है यहाँ पे, क्योंकि गरबा नाइट है डांडिया नाइट है, तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो गुजराती स्टाइल में बनी हुई हैं।
तो मैं भी गुजराती फूड ट्राई करूंगी आज, देखती हूँ कैसा है। अब चलिए मैं भी डिनर ले लेती हूँ। दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी एक्टिव हूँ, जहाँ मैं पोस्ट और वीडियोस डालती रहती हूँ। तो अगर आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो मेरी आईडी है फिट लाइफ बाय अमिता। आप सब मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। देखिए एक यहाँ पे अमेरिकन बंदी भी आई हुई है, वो अपने लगता है दोस्तों के साथ आई हुई है, किसी दोस्त ने उसे इनवाइट किया होगा यहाँ पे और मजे में गरबा कर रही है। सो गाइज अभी मैं घर आ गई, वहाँ काफी लेट से डिनर स्टार्ट हुआ, एक्चुअली 9:30 बजे से जो भी फंक्शन था, प्रोग्राम था, 7 बजे से स्टार्ट था, पर 9:30 बजे जाके इन्होंने डिनर स्टार्ट किया। जब सारे लोग हल्ला करने लग गए कि अब तो खाना दे दो, और उससे पहले वही लाइव म्यूजिक वगैरह था और ड्रिंक्स वगैरह ओपन कर दिया था। फिर 9:30 बजे खाना स्टार्ट हुआ, थोड़ा बहुत खाना खाया मैंने और उसके बाद गरबा किया जो आपने देखा इस वीडियो में। और अभी मैं घर आ गई, ऐसे तो 12 बजे तक का था पर मैं ऑलरेडी 7:30 में वहां पहुंच गई थी और 11 ऑलरेडी बज चुके हैं। सो मैं थक भी गई थी, मैंने सोचा चलो चलते हैं, और 1-2 घंटे रह सकती थी पर ज्यादा मूड बना नहीं। सो ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना यार, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है। इसी मोटिवेशन की वजह से मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाती हूँ। सो ऑल राइट गाइस, मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे फिट, बाय।